शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत बढ़िया, ये गजब एक्टिंग करी है तुम दोनों ने। सीआईडी, हम पीकेबी बैंक की वैन से जो कैश चोरी हुआ उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अगर असली सीआईडी वाला भी आता ना तो वो भी ना पहचान पाता तुम दोनों ने। ये लो थारी फीस। नहीं नहीं विनी जी, आपसे नहीं। अरे चिंगारी गैंग ने हमें सेवा का मौका दिया, यही बहुत है। पर यो पैसे तो थारे को रखने पड़ेंगे, क्योंकि यो पैसे मैं चिंगारी गैंग के काम के लिए ना दे रही हूँ। यो पैसे मैं अपने काम के लिए दे रही हूँ। आपका काम? हाँ अपना काम। वो अपनी सायरा अप्पा है ना, हमारी जानी दुश्मन, संगी खड़ूस बुढ़िया, पुराने किले की झूलती मीनार, पूरा दिन मारे पीछे पड़ी रहे है। बस उसके ना फिरकी लेनी है मने। उसके पास जाओ और उसने बोलो कि थारे खिलाफ सबूत मिल गया है वैन चोरी के केस में और उसने गिरफ्तार करने आए हो। ये सब सुनते हुए ना मैं उसे देखना चाहती हूँ, बड़ा मजा आएगा। ये लो। अभी लो जी। अरे ओ बिन्नी, अभी तक यही है करमजली? कब से सब्जी लाने के लिए कहा था? अरे जाती क्यों नहीं? ये लोग कौन है? शायरा आपा, सीआईडी। चलिए हमारे साथ, आपके खिलाफ वारंट है। क्या? हमें पुख्ता सबूत मिले हैं कि बैंक वैन चोरी में आपका ही हाथ है। बता है ना, रंगरेज गली में पुलिस वालों का आना मना है। बाहर पुलिस की पूरी फौज खड़ी है आपा। तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? मौत से डरने की उम्र आपकी है बड़ी भी, हमारी नहीं। सुपारी तो कट नहीं रही आपसे, हाथ कांप रहे हैं आपके, और मौत का डर हमें दिखा रही हैं आप। आप चलिए हमारे साथ, नहीं तो हमें आपके साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। चलिए। हाथ छोड़। आप चलिए हमारे साथ। मैंने कहा हाथ छोड़। चलती हो या? क्या कहो? आप सुनिए 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 सुनिए, हम कोई सीआईडी ऑफिसर ऑफिसर नहीं है, हम तो एक्टर हैं। और आपकी फिरकी लेने के लिए ना इन्होंने ही बोला था हमको। हाँ इन्होंने बोला था पुराने किले की झूलती हुई मीनार और क्या लेडी ड्रैकुला मेरा खून पीती है, इन्होंने बोला था। खून पीने वाली बात मैंने बोली ना थी? यो, यो अपने मन से बोल रही है, कसम से। नहीं 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 नहीं, कही थी कही थी तेरी तो। यो तैयो क्या कर रही है? अगर जो पिचकारी ना है, अगर चल गई ना तुम्हारे हाथ पर के पर खच्चे उड़ जाएंगे। नहीं मैं सोच रही थी ये रोज की किटकिट आज हमेशा के लिए खत्म ही कर दूं। क्या हो गया ताई? अरे कुछ नहीं, आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गई थी, सोचा थोड़ा सा रियाज कर लूं। इसके भाड़े के सीआईडी ने अपना काम ठीक से किया या नहीं? बहुत अच्छे से किया ताई, तीर सीधा निशाने पर लगा। देखा मैंने टीवी पर हसीना मलिक के शौहरत में बदनामी की चिंगारी लगते हुए। बस अब एक आखिरी बार, उसके बाद ये किस्सा खत्म। वो आखिरी बार जिसका वादा मैंने खुद हसीना मलिक से किया था। सर आप एकदम सही समय पर आए हैं, आज ही हम राजमा चावल लेकर आए हैं, अगर आप कहें तो आपके लिए प्लेट परोस दें। हम सब जानते हैं पुष्पा जी, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चोरी का इल्जाम लगा है, पूरे डिपार्टमेंट के माथे पे कलम लग गया है इस चोरी के इल्जाम से। सर माफ कीजिएगा हमको, लेकिन हम चोरी नहीं किए हैं सर। कोई सबूत है? कोई गवाह है? कोई एक प्रमाण है तुम्हारे पास, कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी, जिससे ये साबित हो कि तुम चोर नहीं हो? वो भी तब जब कैमरे के सामने बैठकर खुद ही ये साबित कर रहे हो कि तुम चोर हो। सर मगर वो तो आधा अधूरा वीडियो है ना, पूरा वीडियो तो दिखाया ही नहीं है, तोड़ मरोड़ के बनाया गया है ये वीडियो। उस वीडियो में आगे खुद चीता कह रहा है कि उसने पैसे वापस रख दिए थे। पुष्पा जी ये मुझे पता है, ये आपको पता है, ये पूरे डिपार्टमेंट को पता है, चिंगारी गैंग को पता है, लेकिन लोगों का क्या? लोगों को तो वही पता चलेगा ना जो वीडियो वायरल हो चुकी है। सर ये सारी बातें हम बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन अब क्या करें? अब इस प्रॉब्लम का क्या सलूशन निकालें? सलूशन है, एक सलूशन है, आपको चिंगारी गैंग से माफी मांगनी होगी, तभी चिंगारी गैंग पूरा वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड करेगा।
और दुनिया को पता चलेगा और तभी हम चीता चतुर्वेदी को निर्दोष साबित कर पाएंगे। शिवानी ताई, शिवानी जी, क्या आप बताएंगी अचानक यहाँ थाने में आपका आना कैसे हुआ? FIR दर्ज करवाने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, जहाँ पूरे शहर में हंगामा मचा हुआ है, चिंगारी गैंग के समर्थक चाहते हैं कि हसीना मलिक, चिंगारी गैंग की मुखिया शिवानी जी से उनके एक बेगुनाह सदस्य को पकड़ने के लिए माफी मांगे, जबकि शिवानी ताई यहाँ खुद FIR कराने पहुंची है। नमस्कार DSP साहब, कशियाहर। अच्छा, हम निकले थे आपके ऑफिस में आपसे मिलने के लिए, लेकिन हमें पता लगा कि आप यहाँ पर हैं, तो हमने सोचा कि यहीं पर मिल ले आपको, दोनों काम साथ में हो जाएगा, आपसे भेंट भी हो जाएगी और FIR भी दर्ज किया जाएगा। अरे क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं, ये थाना जनता की सेवा के लिए ही है, आपकी FIR लिखी जाएगी। पुष्पा जी, जी FIR लिखिए। जी सर, आइए। कहिए क्या शिकायत है आपकी? शिकायत है कुछ पुलिस कर्मियों के खिलाफ। आरोप है कि अपने थाने से कांस्टेबल से चोरी करवाकर, उसके आरोप में चिंगारी संगठन की निर्दोष सदस्य को फंसाकर, SHO हसीना मलिक ने चिंगारी गैंग के खिलाफ अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने का षड्यंत्र रचा है। चिंगारी गैंग की छवि को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया। मांग है हमारी कि कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी के ऊपर इमीडिएट लीगल एक्शन लिया जाए और उसे अरेस्ट करके कोर्ट में पेशी होने तक लॉकअप में रखा जाए और इस कॉन्स्पिरेसी का ओरिजिनल मास्टरमाइंड होने का लिंक प्रूव होने पर SHO हसीना मलिक को भी अरेस्ट करके लॉकअप में रखा जाए। सर, अरे क्या हुआ, सच के धर्म ग्रंथ में जब अपने किसी का नाम लिखना हो तो न्याय का पलड़ा हिल गया, हाथ कांपने लग गए? लिखो SHO हसीना मलिक का नाम, लिखो उस FIR में। सर शिवानी जी, आपके पास कोई प्रमाण है, कोई सबूत है? कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी का कन्फेशन वीडियो ही तो प्रूफ है सर, पूरी दुनिया ने देखा है, उसमें उसने खुद माना है कि चोरी उसी ने की है और ये जिस थाने में कार्यरत है वहां की इंचार्ज है ये SHO हसीना मलिक, जिसकी चिंगारी गैंग से दुश्मनी है, तो लिंक तो हुई ना सर। पर इससे ये सिद्ध तो नहीं होता ना कि मैडम सर सीधा सीधा इसमें लिप्त हैं? इसकी चिंता तू मत कर SI करिश्मा सिंह, कानून की इतनी जानकारी तो मैं भी रखती हूँ, ये तो बस एक FIR है, आरोप, इसकी सत्यता की रिपोर्ट बनाने का काम तुम सबका है, इसकी तफ्तीश कीजिए और सच का पता लगाइए। तुम सबका काम है रिपोर्ट बनाना और मेरा उसे चैलेंज करना, जो मैं करके ही रहूंगी। अदालत में इस आरोप को चुटकी बजाकर मैं प्रूफ करूंगी, सच जब वो होगा तब देखा जाएगा, अभी तो जो होना चाहिए उससे पहले पूरा करो, इस कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी को गिरफ्तार करो और लॉकअप में डालो। पुष्पा जी, FIR लिखे। सर मैं कह रहा हूं ना, लिखे। चीते, जैन सर मैं पूछता हूँ ये सब हो क्या रहा है DSP? इलेक्शन सर पर है
और आप इतना बड़ा बवाल खड़ा किए हुए शहर में, पता है जनता कितनी आकर्षित है हसीना मलिक से? चिंगारी संगठन के समर्थकों का वोट बैंक निकल जाएगा अपने हाथ से। हसीना मलिक को कहिए तुरंत माफी मांगे चिंगारी संगठन से और खत्म करिए टंटा। जी हम कुछ करते हैं सर। जय हिंद सर। इसके पहले कि मामला हाथ से निकल जाए माफी मांग लो। प्लीज समझने की कोशिश करो, आपकी एक माफी से बहुत सारे उलझने सुलझ जाएंगे। और जब आपको पता ही है कि इस मामले में चिंगारी गैंग का कोई हाथ नहीं है, तो मुझे लगता है माफी मांगने कोई हर्ज नहीं है। जाते मी। शिवानी, हमने तुम्हारे गैंग मेंबर को अरेस्ट करने की जो गलती की है, हम उसके लिए माफी मांगते हैं। हमें बेहद अफसोस है कि हमारी वजह से एक निर्दोष इंसान को इतनी चोट पहुंची, इतनी तकलीफ हुई। आई एम सॉरी। मजा नहीं आया तेरी इस रूखी रूखी खाली खाली माफी में। बात नहीं है वो, जज्बात नहीं है, दिल से आनी चाहिए। जैसे मैंने कही थी, हाथ जोड़कर, नजरें झुकाकर, झुककर। I'm sorry. चिंगारी हूं मैं जज्बातों वाली बाई। प्यार से जलाओगी तो जीवन, उलझोगी तो चिता। दूर रहना इस चिंगारी से, अगली बार ये चिंगारी चेतावनी नहीं देगी, सीधा अपना प्रचंड रूप दिखाएगी। और कोई आदेश सर? जब तक ये केस सुलझ नहीं जाता, आप इस केस से दूर ही रहेंगे। आज से ये केस मैं करिश्मा सिंह को सौंपता हूं। बैंक वैन के असली चोर को पकड़ने की जिम्मेदारी अब करिश्मा सिंह की है। करिश्मा सिंह, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि इस केस की संवेदनशीलता को आप बहुत अच्छी तरह से समझेंगे और चोर को जल्द से जल्द पकड़कर कानून के हवाले करेंगे और चीता चतुर्वेदी को निर्दोष साबित करेंगे। गुड लक। जय हिंद सर। जय हिंद। भाई यो सही है ना, हवलदार ने चोरी की ना सपना ने चोरी की, तो चोरी की किसने? अब भूतों को भी पैसों की जरूरत पड़ने लगी के? अरे तू क्यों खाली पीली अपने भेजे की ऑयलिंग कर रही है डंबल क्वीन? अरे आरोप हसीना मलिक पे लगा है, वो देख लेगी क्या करने का है उसको। पगार मिलता है भाई उनको, थोड़ा तो काम कर लेने दे उन पुलिस वालों को। लगाने दे पता उस हसीना मलिक को असली चोरों का, और वो पता लगा के छोड़ेगी। अपने थाने के आदमी को बेगुनाह साबित करने के लिए वो चोर को पाताल से भी खोद कर निकालेगी, देखना। रे यो के बात हुई, हसीना मलिक ने सीधा पंगा लिया है चिंगारी गैंग से।
अगर उसे ऐसे ही जाने देंगे ना तो लोग हमें हल्के में ले लेंगे। सांप चाहे डसे या ना डसे, लेकिन अपना खौफ दिखाने के लिए वो अपना फन तो फैलाता ही है ना, तो हम उसे ऐसे ही ना जाने दे सकते। वाह, मक्खन दबाकर पेलने लग गई है बिन्नी, कितनी सयानी बातें करने लग गई ना आजकल। अरे सयानी वयानी कुछ नहीं, सब उधार का ज्ञान है ये। तुमसे ही सीखे, तुम पे ही झाड़ती है। लगता है इसकी शक्ल देख के इसमें अकल नाम की भी कोई चीज होगी। अरे प्रॉब्लम क्या है थारी बिन्नी? जीजी आ तो फुल एंड फाइनल सॉल्यूशन होने दो ना। मैंने इसकी भेष चुराई है, ना मैंने इससे कोई उधार लिया है, जब देखो तब मारे पीछे पड़ी रहे यो। दिन में अगर ये 5-7 बार बेइज्जती ना कर लेना मेरी, इसका खाना हजम ना होता। दमी से भूल मत कि खाना मैं ही बनाती हूँ और जहर बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, मैं तो शिवानी जीजी से कह रही थी, ऐसे ही छोड़ देंगे क्या उस हसीना मलिक को? ये तुझसे किसने कहा? जरूर सबक सिखाएंगे हम हसीना मलिक को, और वो जरूरी भी है, लेकिन अपने स्टाइल से, ताकि अगली बार चिंगारी गैंग से पंगा लेने से पहले कोई भी 100 बार सोचेगा। मेरी आई हमेशा कहती थी, एक कलंक का बोझ 100 बोझों से ज्यादा होता है, और अब ये कलंक हसीना मलिक पर लगा है। इसे इतने आसानी से थोड़ी ना मिटने देंगे हम। लगाने दो उसे असली चोरों का पता, हम उसकी इस कोशिश को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। जिंदगी भर हसीना मलिक को इसी कलंक के साथ जीना होगा। तो मानोगी नहीं किसी बड़े छोटे की बात, करोगी बस अपनी मनमानी। अगर ताई तू कशला चिंता करते, भरोसा रख मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। अभी तो बस हमें ये सोचना है कि हम हसीना मलिक से पहले उन असली चोरों तक कैसे पहुंच सके। कल नहीं था वो क्या है आज ये। इनकी तो लग गई दुख की गहरी सोच के सागर में। क्या मुझे कहीं ये ख्वाब तो नहीं। अब तो महारानी बिन्नी चौधरी के लिए एक मिल्क शेक बना दे। महारानी का एक्सरसाइज का टाइम हो गया है। वक्त इका कर दिए तुम बुद्धिहीन इंसान, इका कर दिए तुम। वहां पूरा कुल तुमसे लज्जित हो रहा है और यहां पर पूरा थाना तुमसे लज्जित हो रहा है। माफी मांगनी पड़ी हसीना मैम को शिवानी ताई से। अरे यार डूब मरो तुम। करिश्मा मैडम, करिश्मा मैडम, 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 जो भी पैसा चोरी किया है ना, जितना जल्दी हो सके उसको पकड़ कर यहाँ पर भीतर डाल दीजिए मैडम, हमको बचा लीजिए। और ये बात ना हम अपना लिए नहीं कह रहे हैं, अपना माई के लिए कह रहे हैं। पहले से उसका तबीयत खराब है मैडम, उसको पता चलेगा ना इस सब कांड के चक्कर में हम जेल के भीतर आ गए मैडम, सर हमसे मर जाएगी। चीते चीते कुछ नहीं होगा तुम्हारी माँ को, कुछ भी नहीं होगा, और तुम कहीं नहीं जाओगे। हम भी कब से इस उधेड़बुन में हैं कि उस चोर तक कैसे पहुंचे। देखो एक बात तो स्पष्ट है कि चोर कोई भी हो, वॉल्ट का चाबी उसी के पास है, और वो चाबी या तो सिक्योरिटी गार्ड के पास होती है या फिर ड्राइवर के पास होती है। तो इन दो, एक सेकेंड, वो सिक्योरिटी गार्ड जिसका तबीयत खराब हुआ था, जिसकी जगह पे तुम गए थे, उसका क्या नाम था? बबलू यादव, यही नाम था उस गार्ड का जो उस दिन वैन की ड्यूटी पर था, और उसकी तबीयत खराब होने की वजह से उसकी जगह चीते को भेजा गया था। हाँ तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि चोरी की वारदात उनका सोचा समझा प्लान हो। वैन कब कहाँ कितने देर के लिए रुकती है उसे सब कुछ पता था। प्लान के अकॉर्डिंग पहले से ही वॉल्ट की डुप्लीकेट चाबी बना ली, बीमारी का झूठ बोलकर गांव जाने का बहाना दिया, वैन का पीछा किया और फिर सही वक्त और मौका देखकर चोरी को अंजाम दिया। बिना किसी की नजर में आए, बिना शक के दायरे में आए। बात में दम तो है बिन्नी, अगर ये बबलू यादव वही सिक्योरिटी गार्ड है तो वो गांव नहीं गया होगा। पता लगाओ कि वो कहाँ पाया जाएगा, उसे पकड़ो, उसे तोड़ो, कुछ भी करो, लेकिन सच उगलवाओ। ठीक है जीजू, चलो। जी बबलू यादव आपका पुराना सिक्योरिटी गार्ड, उसका नंबर और उसका एड्रेस हमको मिल सकता है क्या? उससे थोड़ा जरूरी बात करना था हमको। आप एक काम कीजिए, मैसेज कर दीजिए हमको। धन्यवाद, जल्दी कीजिएगा थोड़ा। We'll be right back.
बात। 7, 8 हेलो कौन? बबलू यादव बोल रहे हैं। जी हम ऐसा है करिश्मा सिंह बोल रहे हैं। जी बोलिए मैडम। कहाँ हैं आप? जी मैं गाँव आया हूँ जी। वो क्या है छुट्टी ली है ना थोड़ी तबीयत खराब है। पता चला हमको आपके बीमारी के बारे में। कैसे हैं आप? ऐसे ही है जी। अच्छा आपसे थोड़ा जरूरी हमको बात करना था, तो कब वापस लौट रहे हैं आप? पता नहीं जी फेफड़ों का एक्सरे करवाया है, अब डॉक्टर को दिखाया है, अब देखते क्या बोलते हैं, पता नहीं कब तक आना होगा। अब चीता को इंसाफ हम अपना तरीका से दिलाएंगे। हमें मैडम सर तो क्या ऊपर वाला भी नहीं रोक सकता।